इसको नीचे दीजिए। 43 सीटों पर मोदी जी चुनाव लड़े, बिहार के 40 की 40 सीटों पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, सभी सीटों पर मोदी जी का आना ये स्वागत है। लाल की दूसरी बेटी जो है रोहिणी आचार्य, इसे बनाने में है रोहिणी आचार्य, ये लाल जी का परिचय ही है परिवार का। चमक कीजिए आज तक देता है। लालू जी ने दो बेटा दो बेटी को तो उतार दिया, हमारी पांच बहनें बच गई है, उनको कब उतारते हैं ये तो भागलपुर के सारण में रोहिणी आचार्य को ही जनता देखना चाहती है। पार्टी कोई भी हो जीत का दावा करती है, 40 सीटों की बात करें या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें, दावे किए जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट यानी कि नतीजे सामने आते हैं, जब पता चलता है कौन कितने पानी में है। राजीव प्रताप रूड़ी तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार दे सारण से, या अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को उतार दे, अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को उतार दे, यानी कि लालू परिवार में से कोई भी सारण पर उतर जाए लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाएगा, उन्हें हरा नहीं पाएगा। ये दावा भरे मंच से प्रताप यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे और वही बात का पलट। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी आचार्य की, जो सारण से RJD ने उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। अब ऐसे में रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रही है और लगातार BJP के ऊपर हमलावर है, और उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जनता के बीच में क्रेज बहुत ज्यादा है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बताइए आप लोग भी धक्का मुक्की, मतलब 5-10 लोग में धक्का मुक्की हो रहा है। ऐसा मेरा क्रेज है, ऐसा मेरा क्रेज है कि मीडिया ने चलिए पीछे आओ, पीछे आइए, तो चलिए आप पीछे आइए। तो देखा आपने किस तरीके से रोहिणी आचार्य एक अलग ही कॉन्फिडेंस में देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें 1.5 साल पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव को एक किडनी दान की थी, जिसके बाद वो चर्चा में आई। अब ऐसे में वो सारण लोकसभा चुनाव की सीट से उतर चुकी हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि रोहिणी आचार्य इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कमाल करके दिखा पाती हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से अब अचानक से एक्टिव मोड में नजर आई हैं, क्या वो कुछ अच्छा करती हुई नजर आ सकती है या नहीं। आज हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं अमन जी, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य एक बार फिर चर्चा में आई हैं, क्या वो BJP को आने वाले दिनों में मात दे पाएंगी या नहीं। देखिए बिल्कुल, रोहिणी आचार्य जब से उनका नाम आया है रोहिणी जो सारण सीट को लेकर, तो उसके बाद से लगातार चर्चाओं बनी हुई, क्योंकि यहाँ से राजीव प्रताप रूड़ी चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता हैं BJP के, और पहली बार उन्होंने लालू को यहाँ से हराया था, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है पूरे क्षेत्र के अंदर, तो ऐसे में क्या रोहिणी आचार्य यहाँ पर राजीव प्रताप रूड़ी को हरा पाएंगी, सबसे बड़ा सवाल इस समय ये बनता है। और साथ में क्या वाकई, क्योंकि अभी पॉलिटिकल अनुभव की अगर बात की जाए तो बहुत अधिक जो रोहिणी आचार्य के पास में पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी वो जा रही एक सिंपैथी के तौर पर लोगों का बहुत ज्यादा प्यार उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, साथ में समर्थन भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वाकई में जो ये समर्थन और जिस तरह से लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं, क्या ये वोटों में बदल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो अपने आप में अलग किस्म की राजनीति है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्णिया सीट को लेकर लगातार तनातनी का माहौल बना रहा, वहीं जिस तरह से रोहिणी आचार्य को सारण सीट से उतारा गया, बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भाई परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं लालू, इसीलिए जो उनके घर के 3-4 लोग चुनाव में लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और तमाम तरह से इसको लेकर बात की कि भाई लालू यादव जो हैं वो सिर्फ परिवारवाद की राजनीति ही करते हैं, तमाम तरह के इसको लेकर बयानबाजी हुई। लेकिन फिलहाल जिस तरह देखा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य लगातार एक्टिव मोड में है और लगातार लोगों के पास जा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अपने पिता को जिस तरह उन्होंने किडनी दान की उसके बाद से एक सिंपैथी उनके साथ में लोगों की ज़रूर जुड़ गई। लेकिन क्या ये सिंपैथी जो है, क्या जिस तरह से लोग उनके कह सकते हैं बयानों को सुनने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये वाकई वोट में बदल पाएगा, क्या वाकई उनको जो है अपार जन समर्थन मिल पाएगा चुनावों के दौरान, ये अपने आप में अहम बात है। क्योंकि देखिए अभी तो बहुत सारे लोग उनकी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर BJP पूरी तरह से प्रचार प्रसार करेगी, जब PM मोदी का या उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ पर आएगा, तो क्या जो पूरे का पूरा माहौल है, क्या फिर BJP में होता हुआ नजर आएगा, कई तरह के सवाल है। क्योंकि अगर 2019 की ही बात करें तो यहाँ पर RJD को
एक भी सीट जो है जीतने का मौका नहीं मिला था। इसीलिए लगातार तेजस्वी यादव इस बार लगे हुए हैं कि उनको जो है कुछ एक सीट बिहार में अगर लोकसभा चुनाव के दौरान मिलती है तो ये उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। और साथ में जिस तरह से देखा जा रहा है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले भी आरजेडी को एक जो कह सकते हैं कि संजीवनी मिलती हुई नजर आएगी, जो कह रहे हैं कि अब की बार जो 2025 विधानसभा चुनाव होगा वो अपने दम पर यहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं और इसीलिए तमाम तरह से चाहे मुकेश सहनी हो या कांग्रेस पार्टी हो सभी के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य अब मैदान में उतर चुकी है ऐसे में कहा जा रहा है कि वो लालू की सीट थी, पहली बार लालू वहां से सांसद बने थे। अब ऐसे में देखना होगा कि रोहिणी आचार्य वहां पर क्या कमाल कर पाती हैं। अगला सवाल मेरा नाजमीन से रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार बिहार में 40 सीटों पर अपना जीत हासिल करने का दावा कर रही है उसमें रोहिणी आचार्य भी कहीं ना कहीं अब एक्टिव नजर आ रही है, तो क्या आगे वो बीजेपी के साथ इतनी मजबूत पकड़ बना सकती है, उनके साथ मुकाबला कर पाएंगी या नहीं? देखिए मुकाबले की बात करें तो रोहिणी आचार्य को लेकर जब ये कहा गया कि वो सारण से चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद जब वो रैली करती हुई सारण में नज़र आई तो जो जनता की भीड़ थी, जो रोहिणी आचार्य का स्वागत किया जा रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सारण में रोहिणी आचार्य को ही जनता देखना चाहती है। पार्टी कोई भी हो जीत का दावा करती है, 40 सीटों की बात करें या उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात करें, दावे किए जाते हैं लेकिन जब रिजल्ट यानी कि नतीजे सामने आते हैं, जब पता चलता है कौन कितने पानी में है। राजीव प्रताप रूड़ी तो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लालू प्रसाद यादव रोहिणी आचार्य को मैदान में उतार दे सारण से, या अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को उतार दे, अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को उतार दे, यानी कि लालू परिवार में से कोई भी सारण पर उतर जाए लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाएगा, उन्हें हरा नहीं पाएगा। ये दावा भरे मंच से प्रताप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे और वही बात का पलटवार यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने इस तरीके से दिया है कि उनका क्रेज इतना है कि आप देखिए कि हर कोई मीडिया कर्मी यही सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि रोहिणी आचार्य अब क्या करने वाली हैं, रोहिणी आचार्य अब किस तरीके से रणनीति तैयार करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी को टिकट सोर्स समझ कर ही दिया है जिस वजह से वो इस जगह पर जीत हासिल करवा कर रहेंगे। तो एक नाजमीन और सवाल रहेगा, क्या जिस तरीके से लालू यादव ने उनको टिकट दिया है, उन्होंने उनको किडनी दान की थी, तो क्या ऐसे में एक सिंपैथी वोट उनके साथ आता हुआ नजर आ सकता है? देखिए सिंपैथी की बात करें तो हो सकता है क्योंकि एक बाप बेटी का रिश्ता है और बाप बेटी के रिश्ते की वजह से ही यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात करें तो निशाना साधते हुए नजर आते हैं। ये कहते हैं कि किडनी दी है इसी वजह से टिकट दिया है और यहाँ पर ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि आप बेटी और बाप के रिश्ते को इस तरीके से दिखाते हैं कि अगर रोहिणी आचार्य ने किडनी ना दी होती तो वो टिकट ना मिल पाता उन्हें, लेकिन रोहिणी आचार्य ने साबित कर दिया कि ओछी सोच वाले, ऐसी सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी से ही मिलेंगे और वो ऐसी ही बातें करते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ जनता के बीच में जाना, हर कोई ना कोई कार्ड खेलता हुआ तो ज़रूर नजर आता है, जनता के बीच में जाना, उनको गिफ्ट देना, उनको वादे करना, उनके सामने रोना, उनकी मजबूरियों को सुनना, हर राज्य में मिलेगा आपकी आज के वक्त में कि जब चुनाव आता है तो उनके दर्द को अपना दर्द समझ लेते हैं लेकिन जब चुनाव बीत जाता है, जब नतीजे सामने आ जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही बीच मझधार में छोड़कर निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब तो जीत हासिल हो गई है। तो सिंपैथी कार्ड ना सिर्फ रोहिणी आचार्य या फिर आरजेडी की तरफ से खेला जा रहा है बल्कि ये कार्ड हर पार्टी हर चुनाव में हर वक्त खेलती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, हर पार्टी कहीं ना कहीं ये दाव पेश खेलती हुई नजर आती है लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी लगातार हमलावर हैं कि लालू प्रसाद यादव अपनी जो राजनीति है वो परिवारवाद को लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आप सम्राट चौधरी का ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य पर हमला किया था। और एक तरफ लालू प्रसाद जी है जिनके लिए आरक्षण का मतलब सिर्फ अपना परिवार होता है। पहले उन्होंने किसको आरक्षण दिया, कहा कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी है इनको मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा कि दूसरा जो मेरा बेटा है ये खेल में खेल नहीं पाता है, ये क्रिकेट नहीं खेल पाया लेकिन पानी ढोने का काम कर रहा है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर दूसरे बेटा को कहा कि मेरा बेटा जो है ये हरे राम करता है, अब इसको मंत्री बना दो। अब दो बेटी को लाया, एक बेटी जब राम कृपाल यादव जी ने चुनाव हरा दिया था तो एक बेटी को लाने का काम किया, अब दूसरी बेटी को भी इस बार छपरा से लाने का काम किया। इसलिए गरीब साथियों,
मैं इतना आग्रह करने आया हूँ आपसे, लालू प्रसाद जी ने 15 साल के राज में 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के किसी गरीब को आरक्षण नहीं दिया, ना दलित को, ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देने का काम किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतनराम मांझी जी को देने का काम कीजिए, तभी देश के प्रधानमंत्री जी को एक नारा दीजिए, फिर एक बार अब की बार। इसलिए साथियों, फिर आग्रह करते हुए एक एक वोट आदरणीय जीतनराम मांझी जी को देकर तो देखा आपने किस तरीके से सम्राट चौधरी ने लगातार वो परिवारवाद को बढ़ावा देने का लालू के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। अगला सवाल मेरा दिनेश से रहेगा छोटा सा, कि किस जिस तरीके से अगर बात किया जाए कि लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं सोच समझकर, पप्पू यादव के उन्होंने साइडलाइन कर दिया, मीसा भारती को पूर्णिया सीट से उतारा और वो रोहिणी को भी अब चुनाव मैदान में लेकर आए हैं, ऐसे में क्या जो आरजेडी का इस बार, पिछली बार आपने चुनाव में देखा था तेजस्वी यादव ने बोला था कि खेला होगा, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार वाकई लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा खेला होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, जिस तरीके से माही लगातार ये कोशिशें जारी हैं महागठबंधन की तरफ से कि लोकसभा चुनाव में जो वर्तमान स्थिति है महागठबंधन की, उसको सुधारा जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए आरजेडी जो सबसे बड़ा दल बिहार में देखने को मिल रहा है, 26 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 22 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मजबूती के साथ सामने आए, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में हमने देखा 2022 में कि आरजेडी सबसे बड़ा दल बन करके आई थी, और ऐसे में की कोशिशें इस बार ये हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जाए। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो जो गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम मजबूत प्रत्याशियों को यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिशें तो ये हैं कि पिछला जो 2019 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको ना दोहराया जाए और बेहतर प्रदर्शन किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लालू यादव ने एक बेहतर प्लान बनाया है, उन्होंने पप्पू यादव को साइडलाइन करके मीसा भारती को, रोहिणी आचार्य जैसे चेहरे को उतारा है, वैसे में देखना होगा कि ये दोनों क्या कुछ कमाल करके दिखा पाती हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।